गुजरात की राजधानी गांधीनगर अपने कई आकर्षणों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित गिफ्ट सिटी मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी एक मॉडर्न फाइनेंस सेंटर है, जो वैश्विक व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक प्रमुख हब बनता जा रहा है। पर्यटन की दृष्टि से अक्षरधाम मंदिर, सरिता उद्यान, जंगल सफारी और इंद्रोदा नेचर पार्क प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। विकास की दृष्टि से गांधीनगर तेजी से एक स्मार्ट सिटी के रूप में उभर रहा है, जिसमें उच्च गुणवत्ता की इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज हैं। आर्थिक रूप से गिफ्ट सिटी ने निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया है। सांस्कृतिक रूप से यहाँ के त्योहार, कला और हस्तशिल्प गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। आज चलेंगे गुजरात की राजधानी गांधीनगर के सफर पर और जानेंगे गुजरात की राजधानी गांधीनगर में क्या क्या देखने जानने के लिए मिलता है। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव और आप देख रहे हैं चंद्रदेव जोन। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चंद्रदेव जोन को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्टेड रह सके। यह खूबसूरत शहर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है और अहमदाबाद से लगभग 23 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। गांधीनगर को योजना के तहत विकसित किया गया है और इसे ग्रीनरी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। गांधीनगर का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। गांधीनगर की योजना और विकास में पर्यावरण को विशेष महत्व दिया गया है, जिससे यह एक स्वच्छ और हरित शहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ के सड़कों के किनारे हरे भरे पेड़ और उद्यान शहर की सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। आपको गांधीनगर के केवड़िया में वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैचू भी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसकी ऊंचाई लगभग 182 मीटर है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है। यह स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। दोस्तों, जैसा कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर में गिफ्ट सिटी बसाया जा रहा है, लेकिन गिफ्ट सिटी के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा गांधीनगर के बारे में जानते हैं। अगर गांधीनगर के कुछ इतिहास को झांक कर देखें, तो 1960 को गुजरात राज्य का गठन हुआ। गुजरात राज्य के गठन के कारण राज्य की राजधानी अहमदाबाद रखी गई। फिर अहमदाबाद शहर की जनसंख्या को कम करने के लिए गुजरात की नई राजधानी गांधीनगर की स्थापना 1965 में की गई। गिफ्ट सिटी मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो गांधीनगर में स्थित एक आधुनिक फाइनेंस और टेक्नोलॉजी हब है। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक वित्तीय सेवाओं के केंद्र के रूप में विकसित करना है। गिफ्ट सिटी का विचार 2007 में आया और इसे गुजरात सरकार और भारत सरकार द्वारा प्रमोट किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देश को एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाना है और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना है। इस गिफ्ट सिटी में अगर आप कभी भी विजिट करने जाएंगे या फिर कभी भी जाने की सोचते हैं, तो आपको यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी अलग से देखने के लिए मिल जाएगा। गिफ्ट सिटी में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग, हाई स्पीड इंटरनेट, अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन बिल्डिंग शामिल है। इस सिटी में विशेष रूप से बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट्स और IT सर्विसेज के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ पर इंटरनेशनल एक्सचेंज और फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर भी है, जो इसे वैश्विक वित्तीय लेन देन का हब बनाता है। गिफ्ट सिटी को वॉक टू वर्क अवधारणा पर लागू किया गया है, जो स्कूल, क्लब, पार्क आदि जैसे सामाजिक सुविधा प्रदान करता है, जिससे निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। गिफ्ट सिटी एक उभरता हुआ वैश्विक वित्तीय और IT सर्विसेज सेंटर है, जो भारत में अपनी तरह का पहला सेंटर है। इस शहर को 886 एकड़ में बनाया जा रहा है। आखिरकार गिफ्ट सिटी भारत के आर्थिक भविष्य की एक झलक है, जो नए अवसरों और विकास की अनगिनत संभावनाओं का द्वार खोलती है। जैसे जैसे यह शहर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे यह देश की प्रगति और समृद्धि का प्रतीक बनता जा रहा है। कुल मिलाकर गुजरात की राजधानी गांधीनगर में अगर आप कभी भी विजिट करते हैं, तो आपको यहां पर बहुत सारे अट्रैक्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। चाहे कल्चर की बात हो, हेरिटेज की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, या फिर यहां की टूरिज्म की बात हो।
लेकिन अगर आप गुजरात की राजधानी गांधीनगर विजिट कर रहे हैं और टूरिस्ट अट्रैक्शन की तलाश में है, तो आपको यहाँ पर जंगल सफारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जरूर घूमना चाहिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमल देखने के लिए मिल जाएंगे, साथ ही आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए चंद्रदेव जोन को जरूर सब्सक्राइब करें।